हाय एवरीवन, बैक टू बैक मैं यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, आपको अपने चैनल का सब्सक्राइब हाइड करना है, यानी कि छुपाना है कि किसी को बंदे को पता ना चले कि मेरा सब्सक्राइबर कितने हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल प्रेरित कलिक करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों मैं बता दूँ कि काफ़ी लोग को माइंड में आजकल ये चल रहा है दोस्तों कि वो लोग किसी भी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके सब्सक्राइबर देखते हैं कि भाई इसके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो भाई ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचिए कि सब्सक्राइबर भाई कितने, जो नहीं कि जो बड़े यूट्यूबर है वहीं आपको जानकारी दें। आजकल बड़े यूट्यूबर सिर्फ थ्योरी देना शुरू कर दिए हैं, प्रेरित गली तो दिखाते ही नहीं है कि कैसे करना है। क्या आपने जब यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, तो अगर आपको कोई बता दे कि भाई यूट्यूब पर अपलोड कोई भी वीडियो करना है ना, तो उसको यूट्यूब में जाओ, प्लस आइकन पर क्लिक करो, तो क्या ऐसे आपको समझ में आएगा? जब तक आपको कोई प्रेरित गली का नहीं दिखाए तो भाई आप लोग जो माइंड कॉन्सेप्ट जो है ना, आप लोग सही करके रखो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले उस वीडियो पे जो भी आप देखते हो उस वीडियो को पूरा देखिए उससे पहले कि भाई इसने हमें जो जानकारी चाहिए तो क्या उसने सही दिया है क्या गलत दिया है, उस चीज़ को पहले देखिए। अगर उसने गलत जानकारी दिया तो उसके वीडियो मत देखिए, अगर उसने सही दिया तो उस चीज़ को हमेशा उसको फॉलो कीजिए, हमेशा उसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वह भी बंदा आगे बढ़ सके। ये चीज़ को आप लोग ऐसा कीजिए। और मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दूं कि मैं अपने वीडियो के अंदर हर एक यूट्यूबर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना देने वाला हूं। जो भी मेरे वीडियो का अगर शेयर करता है, लाइक करता है, तो उसका मैं चैनल का प्रमोशन जरूर करूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको सब्सक्राइबर हाइड करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले उसे मैं आपको दिखा देता हूं। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो का अभी तक लाइक नहीं है तो जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि हमें इसे मोटिवेट मिलता है। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आपको अपने क्रोम ब्राउजर में दोस्तों चले आना है, यहाँ पर सर्च में लिखना है youtube.com। इतना लिखने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका YouTube ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको राइट साइड 3 डॉट दिखने को मिल रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे आपको इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आप इसे अनेबल कर देते हो ना, तो ये आपका जो यूट्यूब चैनल जो है ये आपको एकदम डेस्कटॉप PC की तरह मतलब ओपन हो जाता है। जिस तरह से आप लैपटॉप या कंप्यूटर में जब जाकर अपना YouTube खोलते हो, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ओपन दोस्तों हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल मेरा लैपटॉप के जैसे जो है ओपन हो गया है। अब इसको ही आपको करना क्या है, यहाँ जो जूम करके थोड़ा सा आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा लोगो है, ठीक है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसके बाद से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर योर चैनल पर आपको क्लिक कर देना है, योर चैनल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद कस्टमाइज चैनल पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका Y2 स्टूडियो जो है ओपन हो जाती है। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस दोस्तों खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोने में लेफ्ट साइड कोने में आपको सेटिंग का एक लोगो मिल रहा होगा। सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से दोस्तों इंटरफेस खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल पर क्लिक कर देना है। चैनल पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग देखने को आपको मिल रहा होगा, एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको देखेगा सब्सक्राइबर काउंट। सब्सक्राइबर जब काउंट पे आप जब यहाँ पे टिक लगा होगा तो आपको क्या करना है, इसे अनटिक कर देना है। जैसे कि मैंने अनटिक कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इधर राइट साइड में आइएगा तो यहाँ पे सेव करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको जो है ये आपका जो भी सब्सक्राइबर जो काउंट था ये आपका जो है आपका ये सेव हो गया। आपका जो भी YouTube चैनल पे कोई भी आता है बंदा तो आपका जो है सब्सक्राइबर हाइड हो जाता है, आपका सब्सक्राइबर बिल्कुल भी शो नहीं। दोस्तों मोबाइल से बताने का एक ही रीज़न था कि मेरे पास लैपटॉप भी है, लैपटॉप से भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन होती क्या है कि अधिकांश लोगों के पास लैपटॉप नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग के माइंड में यह चलता है कि भाई डेस्कटॉप पे अलग यूट्यूब ओपन होती है लेकिन मोबाइल पे कुछ और ओपन होते हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है, बस इसमें फ़र्क इतनी होता है कि लैपटॉप का बड़े स्क्रीन होता है और मोबाइल का छोटे स्क्रीन होता है। तो अधिकांश लोगों के पास मोबाइल से ही अभी काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको मोबाइल से बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिली होगी और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिली होगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ को हेल्प मिल सके। अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार क्वेश्चन चल रहा है या कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप अगर शेयर करते हैं तो अगर आप इस वीडियो का लकी विनर होते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगले वीडियो में, ताकि आपके चैनल पर जाकर लोग विजिट करें और आपका भी चैनल ग्रो हो सके। तो दोस्तों इसी तरह मोटिवेट वीडियो आपको मिलती रहेगी हमेशा। तो कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।